एक्स्ट्रा टाइम। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम ऑफ क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंदेश। और आज हम अपना एक स्पेशल सेगमेंट चालू कर रहे हैं, वो ये है कि हम लोग स्वॉट एनालिसिस करेगा आईपीएल का 10 टीम को लेके। और आज हमारा पहला जो टीम जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है चेन्नई सुपर किंग्स। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा दोस्त चंद्रेश पीला कलर का टी शर्ट पहन के बैठा है, तो बाई हार्ट चेन्नई सुपर किंग्स। तो चंद्रेश, talking about Chennai Super Kings, what do you reckon? What are their strengths going ahead into the IPL 2022? हमेशा की तरह defending champion जो है Chennai Super Kings, उनका जो strength है उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनसे ज़्यादा कोई बड़ा strength नहीं उनका, उनसे सब कुछ शुरू होता। मेरे ख्याल से वो है fulcrum उस team का। इस बार कुछ नए players को उन्होंने मौका दिया है team में, तो मैं उन सबको देखने में बहुत उत्सुक हूँ। मोइन अली ऑब्वियसली पहले से हैं, मिचेल सैंटनर को एक बार फिर रिटेन किया गया है, रविंद्र जडेजा बहुत टॉप फॉर्म में है, और जो बाकी जो प्लेयर्स हैं, एक जो यंग प्लेयर है जिस पर मेरी नज़र है वो है प्रशांत सोलंकी, लेग स्पिनर है मुंबई के, उनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, तो वो है जिस पर मेरी नज़र है। उसके अलावा जो है ऋतुराज गायकवाड़, पिछले साल के फॉर्म बल्लेबाज, उन पर मेरी नजर होगी। डेवन कॉनवे है जिन पर मेरी नजर होगी क्योंकि वो न्यूजीलैंड के लिए काफी फॉर्म में थे, और बाकी ऐसे काफी खिलाड़ी हैं जिन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने ढाव खेला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स यंग खिलाड़ी है राजवर्धन हंगरगेकर, ऑलराउंडर है, अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में थे, उन पर भी मेरी नजर होगी। पर सबसे ज्यादा नजर होगी रविंद्र जडेजा और दीपक चहर पर, ये दोनों। दीपक चहर की चोट के बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, रविंद्र जडेजा चोट से बाहर आ रहे हैं, टॉप फॉर्म में है, मेजर प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ओवरऑल वेरी गुड पैकेज। चंदेश, टॉकिंग अबाउट दीपक चहर, ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि वी स्टिल डू नॉट नो, कोई अपडेट नहीं है कि उसका रिहैब कैसा चल रहा है, वो बाकी मिड अप्रैल से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल पाएगा कि नहीं, क्योंकि आज ही हम कहीं देख रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स सीईओ काशी विश्वनाथन ने एक स्टेटमेंट दिया कि दे आर स्टिल अवेटिंग द अपडेट फ्रॉम एनसीए बिफोर टेकिंग अ फाइनल कॉल वेदर टू गो अहेड विद अ रिप्लेसमेंट फॉर दीपक चहर और टू स्टिल वेट स्टिल बाय टाइम ऑन हिज अवेलेबिलिटी। तो अगर दीपक चहर इस आईपीएल में आईपीएल के दौरान अगर नहीं खेलता है, हम जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स कितना How hard they went for Deepak Chahar in the IPL 2022 mega auctions. अगर Deepak Chahar नहीं खेलते हैं, तो how big a blow will it be for Chennai Super Kings? Massive blow for Chennai Super Kings because उनके पास शार्दुल ठाकुर भी नहीं है ऐसा, इसलिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक धक्का है उनके लिए। And I think that they will find it very difficult to make the most of this. क्योंकि बाकी जो गेंदबाज है काफी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड है, तुषार देशपांडे हो गए बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, के एम आसिफ बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, राजवर्धन हंगरगेकर बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, क्रिस जॉर्डन एक्सपीरियंस्ड है, पर क्या आप उनको वन ऑफ द फोर फॉरिनर्स के तौर पर खिलाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो बॉलिंग ऑप्शन उनके पास बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। वेन प्रिटोरिया से एक ऑलराउंडर है, पर क्या आप उनको एक चार ओवरसीज प्लेयर में खिला सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो न्यू बॉल के लिए उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू होता है, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इशू है ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दीपक चहर का ना होना। ऑब्वियसली देयर वीकलिंग विल बी देयर बॉलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वीकलिंग विल बी देयर पेस बॉलिंग, नॉट देयर स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग में उनके पास बहुत सारे विकल्प है, रविंद्र जडेजा है और मिचेल सैंटनर है, मोइन अली है, महेश तिक्षाना है जो मिस्ट्री बॉलर है, वो एक बहुत बड़े हुकुम के इक्के साबित होंगे महेंद्र सिंह धोनी के लिए। तो मेरे ख्याल से ये इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उनके लिए चिंता का विषय है पेस बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग नहीं। चंदेश, और एक चीज के ऊपर गौर करना है, देखिए दो ऐसे क्रिकेटर है, जो ऐसे इंडियन क्रिकेटर है who has passed their prime, I'm talking about रॉबिन उथप्पा एंड अंबति रायडू, यू नेवर नो, बट देन द फोकस विल बी ऑन बोथ ऑफ देम, हाउ दे फेयर इन द आईपीएल। ऑब्वियसली यू वांट टू हैव समवन लाइक अ ऋतुराज गायकवाड़ who
who we all know how successful he has been in the last IPL, being the top scorer, orange cap holder भी रह चुका, मगर रॉबिन उथप्पा और अंबती रायडू ये दो क्रिकेटर हम कितना उम्मीद कर सकते हैं ये दो सीनियर क्रिकेटर्स के तरफ से? बहुत उन पर दबाव होगा क्योंकि उन पर भरोसा करके उन्हें रिटेन किया गया है टीम में, तो आई थिंक दैट उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत दबाव होगा उन पर, और क्योंकि वो और कोई फॉर्मेट खेलते नहीं है और कोई क्रिकेट खेलते नहीं है, तो फॉर्म कैसा है किसी को पता नहीं, तो दे आर ऑल मतलब एटलीस्ट अंबती रायडू ने कुछ, सैयद मुश्ताक अली तो खेला है, पर इसके बावजूद दे आर कमिंग इन कोल्ड, मतलब आप कितना भी ट्रेनिंग कर लें, कितना भी आप प्रैक्टिस सेशन कर लें, आप पर दबाव जरूर होगा क्योंकि आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे किसी को पता नहीं, और अगर वो फेल हुए तो दबाव उन पर ज्यादा होगा टू प्रूव अ पॉइंट, और वो शायद 11 से भी बाहर जा सकते हैं, तो ये एक लिटमस टेस्ट है उन दोनों के लिए मेरे हिसाब से। Chandras, talking as far as the preparations is concerned, obviously Chennai Super Kings is one of the few teams जिसने बहुत दिन पहले कैंप लगाया था सूरत में, एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड, ऑब्वियसली इट वाज महेंद्र सिंह धोनी आइडिया, क्योंकि जो वहाँ का जो विकेट का जो सॉयल है वो मिलता जुलता है मुंबई का जो विकेट से और पुणे का जो विकेट से, तो महेंद्र सिंह धोनी को एन श्रीनिवासन ने सवाल किया था हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, तो उसने यही कहा था कि ऑब्वियसली द फैसिलिटीज हैव बीन रियली वेल एंड द प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग, और हमने देखा भी जो सोशल मीडिया ने जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो वीडियो डाला गया महेंद्र सिंह धोनी इज इन प्राइम फॉर्म, बट देन पिछले सीजन में हम महेंद्र सिंह धोनी को इतना बेहतरीन खेलते हुए हमने नहीं देखा, क्योंकि ही वाज नॉट इन हिज प्राइम दैट वी यूज्ड टू सी, तो महेंद्र सिंह धोनी का कितना अहम रोल इस बार होगा चंद्रेश, बिकॉज द टूर्नामेंट इज बीन प्लेड इन इंडिया, मुंबई में और पुणे में हो रहा है, तो महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म को लेकर आप क्या कहेंगे? महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म एंड फिटनेस इज गोइंग टू बी द की फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, बिकॉज उनकी लीडरशिप की वजह से काफी फर्क पड़ता है। देखिए, ही इज नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, मतलब लोग हमें गाली दें कुछ भी करें, फैक्ट है कि वो क्रिकेट खेलते नहीं है आईपीएल के अलावा, ना वो सैयद मुश्ताक अली खेलते हैं, ना वो विजय हजारे खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते, वो सीधे आके आईपीएल खेलते हैं, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है आपको फॉर्म बरकरार रखना, तो वो लय पकड़ने में उनको वक्त लगेगा, पिछले साल भी हमने देखा बहुत वक्त लगा उनको। देखिए, ऐसा है ना कि आप कहते हैं ना, स्विमिंग और साइकिलिंग दो ऐसी चीजें हैं जो आपने एक बार सीख लिया तो आप भूलेंगे नहीं कभी, उसी तरह क्रिकेट ऐसा चीज है, अगर आपके कण कण में मौजूद है तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी वही हिसाब है, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू गेट यूज्ड टू, पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चेन्नई सुपर किंग्स। Okay, Chandras, lastly, before we end our broadcast, strength or weakness of Chennai Super Kings going ahead strength, of IPL? Mahendra Singh Dhoni. Strength, Mahendra Singh Dhoni and his belief in his some core players. Weakness, pace bowling plus jo purane ek do khiladi hai, un pe bharosa, aap kitna karoge? Ye mujhe lagta hai decide karega Chennai Super Kings kitna dur jata hai is. Obviously, the one guy they would be missing dearly would be Faf du Plessis, क्योंकि उसका जो contribution रहा है over the years for Chennai Super Kings, और शार्दुल some extent शार्दुल ठाकुर, अभी दीपक चाहर भी अगर injury के वजह से ना खेल पाए, तो I think they would be a tad weakened, don't you think so? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा weakened हो गए, तो इसलिए मैं बहुत गौर से देखूंगा इस सारे चीज़ को। I think that's going to be the very important thing to look at. जी बिल्कुल, तो ये था हमारा SWOT analysis on Chennai Super Kings, और ऐसे ही हम जुड़ा रहेंगे बाकी का जो 9 टीम है IPL का, वो सारे का सारे टीम के बारे में हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट है चंद्रेश वो हमारे साथ शेयर करेगा। तो चंद्रेश, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो, और ऐसे ही हम अगले दिन जुड़ा रहेंगे विद अनदर टीम, एनालाइजिंग अनदर टीम अहेड ऑफ द आईपीएल 2022। फिलहाल इतना ही, और जैसे कि दोस्तों हमेशा की तरह आप प्लीज जरूर दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, और प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस, और ऐसे जुड़ा रहिए और सपोर्ट करते रहिए दोनों चैनल को। अंटिल देन, गुड नाइट। एक्स्ट्रा टाइम।